बाबा बागेश्वर के अंदाज ने कईयों को उनका भक्त बना दिया है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो भक्ति से ऊपर उठकर दीवाने बने हुए। ऐसी ही है शिवरंजनी। लेकिन बात सिर्फ दीवानेपन तक नहीं है, और क्या कुछ है खास, रिपोर्ट में देखिए। जितने मुंह उतनी बात। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। जब से मैंने ये गंगा कलश यात्रा स्टार्ट करी है गंगोत्री धाम से, जब से मैंने सर में कलश रखा है, तब से तरह तरह की ट्रोलिंग हो रही है हर न्यूज में। धीरेन्द्र शास्त्री बनेंगे प्राणनाथ। जो महाराष्ट्र है, अंतर्यामी है, प्राणनाथ है, करुणानिधान है, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं। गंगोत्री से बागेश्वर धाम। शिव रंजनी का कलश यात्रा प्लान। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बागेश्वर सरकार है अंतर्यामी। महाराष्ट्र के साथ लाइव होंगी तो वहाँ से वो खुद ही मेरे मन की बात पढ़ के बता देंगे कि मैंने ये यात्रा क्यों निकाली है। इस पद यात्रा के क्या है मानी। गागरिया भर के गंगा जले के चली बागेश्वर धाम की पग पग सभाई। बागेश्वर सरकार जितना सनातन को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, उतना ही बयानों और व्यक्तिगत जिंदगी को लेकर भी चाहने वालों की कतार छतरपुर से लंदन तक लगी रहती है। लेकिन फिलहाल आज चर्चा उन्हें प्राणनाथ बताने वाली शिवरंजनी की। शिवरंजनी तिवारी सोशल मीडिया पर अपने भजन गीतों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस बार उनकी यात्रा सुर्खियों में है। और तो और बागेश्वर प्रमुख के लिए उनका प्राणनाथ का संबोधन सनसनी के साथ सवाल भी उठा रहा है। MBBS की छात्रा शिवरंजनी तिवारी गंगोत्री धाम से गंगा जल लेकर निकली है, बागेश्वर तक जाना है। जहाँ जहाँ पहुँचती है कारवां तो जुड़ता है, प्राणनाथ का सवाल भी उठता है। शनिवार को जब चित्रकूट स्थित संतोषी अखाड़े पहुँची तो आशीर्वाद मिला, शिवरंजनी ने डूब कर गाया, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। इश्क प्रेम मोहब्बत प्यार वैसे ही सोशल मीडिया के फेवरेट टॉपिक हैं, लिहाजा सवाल भी पूछे गए हैं। जवाब तो आया लेकिन सवाल से ज्यादा घुमावदार। जो महाराष्ट्र है, अंतर्यामी है, प्राणनाथ है, करुणानिधान है, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं, तो वहाँ से वो खुद ही मेरे मन की बात पढ़ के बता देंगे कि मैंने ये यात्रा क्यों निकाली है। जो महाराष्ट्र है, अंतर्यामी है, प्राणनाथ है, करुणानिधान है, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं, तो वहाँ से वो खुद ही मेरे मन की बात पढ़ के बता देंगे कि मैंने ये यात्रा क्यों निकाली है। लेकिन बेसब्रों को 16 का इंतजार कहाँ, लिहाजा आकलन भी शुरू हो गए हैं। वैसे भी बातों से निकली बात और बात बात में कई बार बहुत कुछ निकल आता है, ना ना कहते भी जुबा पर बात आ ही जाती है। देखिए हमारे सनातन धर्म में हमारे यहाँ जो इस विषय में जो भी लोग फैसला लेते हैं वो हमारे माता पिता और गुरु होते हैं, और जब इनकी आज्ञा होती तभी ऐसा कोई कार्य होता है। और जैसे कि मैं हर न्यूज़ चैनल में बता रही हूँ, जैसे मुझे ट्रोल कर रहे हैं, तो मैंने बताया है कि अगर विवाह हो भी जाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग शांतिनिकेतन गोत्री हैं, वो लोग गर्भ गोत्री हैं। संतोषी अखाड़ा के महंत श्री रामजी दास महाराज से भी पूछा गया तो उन्होंने भी सवाल को जटिल अध्यात्म की तरफ उछाल दिया। प्रश्न है, ये तो नहीं बता सकते, परंतु अगर इस तरह से संयोग होते हैं तो ये दैवी संयोग होते हैं। ये चित्रकूट के संतों का आशीर्वाद तो है ही है, तो ये सब संयोग भी दैवी होते हैं। तो 16 तक के इंतजार की बात है। ये भी तय है कि बागेश्वर सरकार न सिर्फ सुर्खियां बनाते हैं बल्कि सुर्खियां दिलवा भी देते हैं। अब ये सुर्खी की चाहत है या समर्पण का भाव,
देखा जाएगा। न्यूज 18 के लिए शिवेंद्र बघेल की रिपोर्ट।